फिलीपींस की राजधानी मनीला स्थित एक कैसीनो में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक नकाबपोश हमलावर रिजॉर्ट वर्ल्ड मनीला कैसीनो में दाखिल हुआ और गैम्बलिंग मशीनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 36 लोगों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि अंधाधुंध फायरिंग के बाद कैसीनो में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, जिसे जहां भी जगह मिली उसने वहां छिपना मुनासिब समझा। लेकिन जिंदगी छीनने आए इस मौत के सौदागर के मन में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। खूनी खेल खेलने वाला हमलावर जहां तहां गोलियां बरसाता रहा और पूरे कैसीनो को आग के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस बीच अफरा तफरी होने का फायदा उठाते हुए हमलावर स्टोर रूम में गया और $20 लाख की ग्रीन चिप चोरी कर ली। लेकिन इस बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने कैसीनो को चारों तरफ से घेर लिया। इस पर जब हमलावर को लगा कि वो अब नहीं बच पाएगा तो उसने कैसीनो के कमरे में खुद को उड़ा लिया। पुलिस प्रमुख डेलारोस ने रिजॉर्ट वर्ल्ड मनीला में हुई गोलीबारी को आतंकवादी हमला मानने से इनकार करते हुए कहा कि जिस नकाबपोश हमलावर ने इस घटना को अंजाम दिया वह कैसीनो से ग्रीन चिप चुराने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा कि यह बताना बहुत जल्दबाजी होगी, यहाँ तक कि हमारा मानना है कि इस गोलीबारी में आईएस से जुड़े आतंकवादियों का हाथ नहीं है। वहीं पुलिस का यह भी कहना है कि कैसीनो में मारे गए लोगों की दम घुटने से मौत हुई है। तो फिलीपींस के कैसीनो में हुआ हमला आतंकी हमला था या नहीं, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि हमले के पीछे आईएस का हाथ हो सकता है, लेकिन सच क्या है जांच के बाद ही पता चलेगा। देखते रहिए डीबी लाइव।